पर मैसेज भेजती है जो पंकज कहाँ है, मेरे बात नहीं हो रही है। 4 तारीख को अवधेश राय की पत्नी धमकी दे गई थी। अच्छा। जो अपनी लड़का को संभालो ना तो हत्या करवा दे, जो अपनी लड़का को संभालो ना तो हत्या करवा दे, जो अपनी लड़का को संभालो ना तो हत्या करवा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। तो आज हम आ चुके हैं समस्तीपुर में, जो कि आप लोग को पता ही होगा पंकज और सोनी का, जो कि कुछ कारण से पंकज जी का मौत हो गया था, वो भी सिंगर और राइटर के मामले में। और इसकी सच्चाई के पीछे क्या है राज, वो इनके पिताजी से हम जानेंगे। लेकिन आप लोग को मैं बता दूँ, वो जो सामने आप लोग को दिख रहा है वही जो पंकज जी का घर है और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है वो। अब इनके पिताजी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो ये सब जो घटना है कैसे हुआ और इनका जो लड़का का क्या स्वभाव था, क्या टैलेंट था और क्या आगे बनना चाहता था वो चीज़। तो चाचा जी, सबसे पहले बताइए पंकज जी का पिताजी हुए जी। अच्छा बताइए पंकज जी का स्वभाव कैसा था, वो किस तरह का लड़का थे? देखिए, हम कहेंगे तो थोड़े कोई भी प्रशासन, चाहे मेरा लड़का ना है जी, गलत भी रहेगा तो हम कहेंगे जो हम, मेरा लड़का अच्छा है तो कोई भी तो नहीं मानेंगे। कितना होता है लेकिन गार्जियन झूठ नहीं बोलते अपने बच्चे के लिए, फिर भी कैसा था वो हमारे दर्शकों को बताइए। वो तो ग्रामीण आपको बता देगा, यहाँ से 5 किलो 10 किलोमीटर तक उसको बारे पूछ सकते हैं। अच्छा, वही बता देगा आप। अच्छा, यहाँ जो ये जो मामला है सिंगर और राइटर का, आपके पिताजी यानी आपके जो लड़का यानी पंकज थे वो गायक थे, तो उनको यानी पंकज जो लड़की थी उनसे कैसे सोनी जी से इनको कांटेक्ट हुआ पंकज जी? देखिए, ये तो पंकज और सोनी जी बता सकता है, इसको बारे तो मुझे जानकारी नहीं है। आपको पता कैसे चला जी मेरा बेटा का गाना आने वाला आ गया है और ये सब? जब मोबाइल पर चल गया था तब पता चला था। अच्छा, उससे पहले गाने से पहले आपसे राय विचार लिए थे कि पापा मुझे गायक बनना है, मुझे सिंगर बनना है? ये सब मुझे नहीं पता था। अच्छा, आप पेशे से क्या है, मतलब किस कौन सा वर्क आप करते हैं, कौन सा काम करते हैं? रंग का काम करते हैं। बताइए, एक गरीब मजदूर जो और गरीब मजदूर होते हुए भी अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचे थे और इनका बच्चा का ये सोच रहा होगा कि हम सिंगर बनते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छा खासा अपने गाँव समाज का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ये बताइए आपके घर में मतलब कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, यानी कितना बच्चे हैं, बेटा बेटी कितना थे? 4 लड़कियाँ 1 लड़का था। बताइए, 4 लड़के, एक घर का जो एक पिलर था, घर का जो एक परिवारिश था, जो आगे प्रोग्रेस करते आज वही नहीं रह गए, कितना दुर्भाग्य की बात है, जो कि एक प्यार करने वाले को क्या सज़ा मिलता है। अच्छा, ये तो मामला जो था मौत का जो था, कि क्या मामला से इनको मौत हो गया था? देखिए, इस चीज़ को जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो 11 तारीख को 9 और 10 के बीच में जो है से मेरे लड़का को बुला के ले गया था। अच्छा, जो चलो कहूँ प्रोग्राम में जाना है, ये चला गया। इससे पहले जो है से 4 तारीख को अवधेश राय की पत्नी धमकी दे गई थी। अच्छा, जो अपनी लड़का को संभाल लो ना तो हत्या करवा देंगे। अच्छा, अच्छा, जब ये बात आपको बोला गया था तो अपने बच्चों को समझाए आप? समझा लिए थे। अच्छा। जब वो फ़ोन नहीं किया तब मेरे लड़की की मोबाइल पर मैसेज भेजती है जो पंकज कहाँ है, मेरे बात नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर उसके बाद और क्या हुआ? वो 11 तारीख के 9 और 10 के बीच में मैसेज भी करती है, उससे पहले तो बुला के ले गया था। यहाँ पे कौन आए थे बुलाने के लिए? आपका जो पति घर वाले हैं वो बोल रहे थे कि उनका बेटा आया था बुलाने के लिए। कोकिल महतो खुद आए थे। अच्छा, बुला के ले। अच्छा, आपको पता कब चला कि जो उनका मौत झुमका के पोल में लटका के मार दिया गया? लगभग सवेर में 5 बजे की। 5 बजे। अच्छा, पता चला तो आप पुलिस प्रशासन से हेल्प या समय? पुलिस का ग्रामीण लोग फोन किया, वो 3-4 घंटा बाद आया पुलिस। अच्छा, अच्छा, आपको किन पे शक है, कौन कौन मार सकते हैं उनके घर के प्रति, किन किन लोगों पे आपका आपके माध्यम से केस किया गया? पूरे सदस्य पर उन पर मेरे विश्वास है जो वही मारे हैं, हत्या किए हैं। पुलिस प्रशासन से क्या विनती रहेगा आपके, अपने बच्चे का जो इंसाफ मिलना चाहिए? यही ना, हम उनसे विनती करेंगे जो जल्द से जल्द इनको एक मोबाइल भी है उनको भी खुलासा करें और कातिल को पकड़े, उनसे यही निवेदन है जो हमको न्याय दिला दीजिए। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन आपके माध्यम से इसमें जो कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो कि हमारे दर्शक, हमारे ऑडियंस, जितने भी लोग देख रहे होंगे, गांव समाज के लोग, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इसे सीख मिले, जो अगले बार से लड़का हो या लड़की गलत काम ऐसा ना करे कि ये सब देखने को मिले, क्योंकि पिता का दर्द क्या होता है वो हमसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कितना देख सकते हैं आप, कितना भोला भाला है फिर भी बोल रहे हैं, दूसरा होगा तो हमें नहीं लगता कि बोलने का हिम्मत होगा। क्या बताएं, पिता का दर्द सब लोग को समझना चाहिए, या कोई भी बच्चा हो
प्लीज़ आप लोग आज तक कहीं भी हम देखे हैं प्यार कभी मतलब नाम ही इसका प्यार, यानी प्यार अधूरा है और प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप अपने जीवन को भी हत्या कर दिया जाता है, कैसा प्यार है। प्लीज़ आप लोग प्यार से दूर हो जाइए, प्यार से नफरत कर लीजिए आप लोग, और उससे पहले कुछ करना है तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए जो आपको जीवन भर पोसा पाला बहुत चीज़ आपको किया। एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़े होके कुछ अच्छा करे, मेरा नाम रोशन करे, बट ये सब नहीं हो पाता है। चाचा जी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि जितने भी अगर लड़का अगर देख रहा होगा तो यह गलती, या लड़की भी देख रहे होंगे तो यह गलती ना करें। तो हम तो यही ना कहेंगे जो कोई आदमी गलती नहीं करे, लेकिन कौन इसलिए देखता है माँ बाप की बात। अच्छा उनका पढ़ाई लिखाई कितना तक था? नवा दसवां के तक। नवा दसवां। अच्छा जब गायकी के पहले वो क्या करते थे? रंग का काम करते थे। वो भी पेंट का काम करते थे। और लड़की क्या करती थी ये चीज पता है या नहीं? लड़की पढ़ाई भी करती और ये गाना वाना भी लिखती थी। अच्छा, तो ये थे पंकज के पिताजी जो कि सारे घटना कैसे क्या हुआ बता दिए हैं। लेकिन आप लोगों से नर निवेदन है कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिए कि जो कि छोटे से पौधे की तरह पोस पाल के इतना करते हैं और कुछ आप लोग के गलतियों के वजह से यह दिन देखना पड़ता है। तो आपसे यही नर निवेदन रहेगा, प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। और जितने भी हमारे दर्शक आप लोग देख रहे होंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अगले बार से ऐसा कुछ नहीं हो। और पुलिस प्रशासन देख रहे होंगे तो प्लीज़ इनको इंसाफ दिलाइए क्योंकि एक बिहार के लिए बहुत दुखित खबर होता है। तो आप लोग ये छोटा सा इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।